एवरीवन कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो पैकिंग रह गई है, तो उसमें कुछ सामान लेना है, रखना है सामान। तो चलते हैं, बैग पर्स कुछ सामान लेने हैं अच्छी चीज़। तो फटाफट चलते हैं, चल के आते हैं। बारिश में निकलने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा कर। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारे नींबू दिख गए थे, और तो मैंने कहा कि नींबू सस्ते मिल रहे होंगे और काम दे देते हैं, नींबू सही रहता है फ्रिज में। मैंने कहा रख देंगे गांव ले जाके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 20 रुपये का एक पाव। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी फाइनली ये झोला लेने के लिए, ताकि इसमें कुछ चीज़ें रख सके। दो झोले चाहिए थे, तो इस तरीके से दाम काम करवा के, जो कि मम्मी अच्छे से कर लेती हैं और मुझे एकदम नहीं आता करवाने कम पैसे। बहुत लोग ना टैलेंटेड होते हैं यार इन सब में, और अच्छा बात है, रहना चाहिए, पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पे नींबू और लाई और पेठा और चना ले लिया गया था, कि रास्ते में कुछ चना वना खाना होगा तो सही रहेगा। और मखाने जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने बताया होगा वीडियो में आपको। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ ले ली गई थी। अब लेने के साथ अब रखना ज़रूरी हो गया था। तो ये हो रहा था कि बड़ा वाला झोले में एक बर्तन रखा जाए कि छोटा वाले में रखा जाए। मैंने कहा बर्तन बड़े वाले में रखा जाए, और छोटा वाला एक और झोला तो है ही जो कि हम लोग ले जाएंगे। बड़ा वाला झोला जो बर्तन है सारी चीज़ें है उसको रखवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बात बात करके कि कैसे क्या मैनेज होगा। तो पहले तो छोटे वाले ना झोले में हम लोग रख रहे थे कि इसमें रख देते हैं, फिर लगा कि नहीं इसमें नहीं आएगा सारा चीज़, तो रखो तो एक में ही सारी चीज़ें रख दो। तो फिर मैंने पहले तो इसमें सारी चीज़ें रखी, और सब्जी जो रखते हैं ना उसको मैंने मतलब ज्वाइंट किया था, तो उसको अलग अलग करके पार्ट उसके रखे मैंने। तो फिर इसके बाद मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कुकर और कढ़ाई और भगौने बहुत सारी चीज़ें रखनी बाकी थी। तो मैंने कहा कि चलो दूसरे वाले झोले में रखते हैं, इसमें ना कपड़े वपड़े रख लेते हैं जो हमारा है, इसको ले जाने के लिए कर लेते हैं। और बर्तन सारे इस तरीके से ग्लास और बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, जैसे खाना बनाने के बाद मॉर्निंग में उसके बाद बन जाएगा, पैकिंग वैकिंग हो जाएगा तो रखा जाएगा। तो ये बड़ा वाला झोला जो थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो कार्टन में भी पैक कर सकते थे, लेकिन इसमें सही था। तो मैंने कहा कि एक ही में ना इस तरीके से पैक करके बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई कैसरोल और सब कुछ चीज़ें थी, तो इसको मैं अच्छे से रख रही थी ताकि हो भी जाए, जगह भी ज़्यादा ना ले और सारी चीज़ें आ भी जाएँ। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रख दी थी, कुछ चीज़ें बाकी थी। मिक्सर अभी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे लिए सेक बनाना बाकी है, तो उसको बाहर रहने दो, चटनी बनाएंगे वो चीज़ें, तो इसलिए मिक्सर बाहर, ग्राइंडर बाहर ही था। और बाहर मार्केट जब तक सो नहीं जाते तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जब तक पूरा शॉपिंग हो नहीं जाता हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। इसके बाद हम चार दीवारों में कैद कर दिए जाएंगे जफराबाद में, चार दीवारों में कैद हो जाएंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 चार दीवार है रहेगा मेरे चारों तरफ बेड रहेगा। सुबह उठेंगे बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखेंगे, फिर वही रहेगा। तो यही मेरी कहानी है। तो जितना घूमना है आज की रात आज़ाद हो कल्याणी, घूम लो आज़ाद हो, उसके बाद तुम कैद कर दिए जाओगे। मम्मी भी मेरी फ्री कह रही हूँ सस्ती वाली शॉपिंग कर ले, आवा सस्ता वाला सब्जी को ना सस्ता वाला फल खरीद ला, उसके बाद महंगा महंगा हाय 200 रुपया होगा, 6 ठे केला आया, 2 ठे सेब आया, 2 ठे अनार आया, ला बचाए बचाए खाए आम। और हम कहते करेंगे आम नहीं मिल रहा है, लीची नहीं मिल रहा है, मम्मी कहेंगे बहुत आम लीची दिल्ली में खाई, अब चलो।
लास्ट शॉपिंग ऐसा शॉपिंग था ऐसा कि याद रखेगा। 20 रुपये का 1 किलो बाल, मतलब भुट्टा, ये 20 रुपये का भुट्टा, ये 6 किलो आम मिला है दशहरी, भले ही गदही तरह धो के मम्मी 6 किलो आम ले जाइए, लेकिन 200 में 6 किलो मिला है, ले जरूर ली है। इसी चक्कर में कह रही है जाने तो लीची, नहीं तो कही थी लीची ले लेंगे। चलो भैया साफ सफाई करके सब सामान वामान से बैठ के सो जाओ। मिलते हैं आपसे हम। और आज ये ड्रेस हम नहीं डालने वाले थे, लेकिन ये ड्रेस स्पेशल हम डाले हैं किसी के लिए। बताते हैं किसके लिए डाले हैं कि एक कमेंट आया था सुबह, बेशरम कहीं की ऐसा कपड़ा पहनी है। मैंने कहा जब इंसान को प्रॉब्लम होने लगे तो वो चीज़ बार बार करनी चाहिए। मैंने कहा आज तो मैं चुन के यही ड्रेस पहनूंगी, तो नहाने के बाद मैं यही ड्रेस पहनी। मेरे को ये ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं, मैं सूट भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, आप मेरे से कोई भी कपड़े पहनवा लो, सिचुएशन देख के मैं इस तरीके के पहनती हूँ। यहाँ के लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी बात ये कि मुझे किसी के क्या सोच रहा है सामने वाला मेरे कपड़े को लेके, मुझे लेके, या मेरे खान पीन को लेके, या किसी चीज़ को लेके, मुझे खासतौर से मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ है, कोई दूसरा नहीं बताएगा कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई ये बोले बेशरम तो मैं पहनना छोड़ दूंगी, बल्कि अगर कोई मुझे बोलेगा ना तो मैं दूसरे दिन उठा के वही कपड़े पहनूंगी, बल्कि उससे भी छोटे कपड़े पहनूंगी, मैं इसमें की लड़की हूँ, ठीक है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने। और किसी के कपड़े को लेके अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो आपसे नीच इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आपकी मेंटेलिटी मैं समझ गई हूँ कि किस टाइप के हो, ठीक है। मेरे कपड़े में दोस्त नहीं है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। बार बार ये जब मैं पहली बार पहनी थी और आज भी बोली कि ये कपड़ा तुम्हारे आज तक जितना कपड़ा पहनी हो सबसे अच्छा कपड़ा मुझे ये लगा। मैंने कहा कि कमेंट भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया, बहुत ज़्यादा कमेंट आई इसी कपड़े पे आया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये कपड़ा। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ, मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। और उस कपड़े को लेके आप जज करो किसी को कि ये इंसान ऐसा है वैसा कपड़ा पहना, यार तो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी नज़र है, आपकी नज़र में खोट है, मेरी नज़र में खोट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने, इंसान ना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कपड़े से किसी की किसी को जज करना ना मैं करती हूँ, ना मैं मुझे फ़र्क पड़ता कि कोई करे। और मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे इस टाइप के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि सूट से साड़ी से भी ज़्यादा ही इस तरीके के कपड़े पसंद। तो मैंने ये सोचा था कि मेरा जब शरीर सही हो जाएगा तो इस टाइप के कपड़े मैं देखती थी, बहुत शौक़ लगता था मुझे कि मैं भी पहनूँ। मैंने कहा कि जब मेरी शरीर सही हो जाएगी तो मैं ज़रूर पहनूँगी। और इससे पहले मैं स्लीवलेस पहनती थी, ठीक है। तो तबीयत जब मेरी ख़राब हुई, मैं थोड़ी पतली हुई, तब मैं ऐसे स्लीव वाले सूट डालने लगी, नहीं तो मैं ऐसे, आप कोई भी किसी से भी पूछ लो, मैं इस टाइप के डालती थी और मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो इसीलिए मैंने मेरे को इसका कोई वो नहीं कि किसने क्या कमेंट किया, मुझे 1000 लोग आके बोले ना तो भी मैं ना छोड़ू पहनना, क्योंकि मैं तो अपने गांव में हॉट पैंट टी शर्ट पहन के घूमती रहती हूँ। मैं मुझे गांव के लोग आते हैं, कुछ लोग दवा देने आते हैं, कुछ देखते देखे मुझे क्या है, आपकी नज़र में प्रॉब्लम है, मेरी नज़र में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इस कपड़े में आराम है तो मैं पहनूंगी। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मी को इस टाइप के कपड़े मेरे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी दीदी तक ये चीज़ बोलती हैं कि तुम्हारे पे ना वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मम्मी भी बोलती हैं कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं वेस्टर्न ड्रेस, तो अब मुझे खुद पसंद है। तो पता है
कपड़े पहनते रहो, किसी को अगर प्रॉब्लम है ना ऐसे कपड़े पहनते रहो पहनते रहो, तो उसको खुद आदत हो जाएगी देखते देखते। जब आप वैसे कपड़े पहनोगे तो शायद उसको वो बुरा लगे, और उसके बाद भी अगर सोच ना चेंज हो तो उसकी सोच में उसकी नज़र में प्रॉब्लम है। चलो इतना बड़ा लेक्चर के बाद आपको मिलती हूँ, मैं मिलती हूँ कि ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्या करती हूँ देखते हैं। बहुत पैकिंग वैकिंग करनी है, कहा दे बता मम्मी ढो वाले में एक जगह रखा वाले में आम रखता लेके चला वाले के ढोबू लेके भारी ना लगी। खोल के इसे डाले खोल देखो तो बिखरा ले तो सही रही, चला इसे। यहाँ पे 3 भुट्टा मिल गया, घर ले जाके भुट्टा वो करके खाएंगे। उठा था बैग काफी भारी हो रहा था, मैंने कहा जो रखने वाला बैग है ना उसमें आम रख दो और ले जाने वाली चीजें हल्की चीजें इसमें रखो, लेकिन मम्मी कब नहीं बोली ठीक वो ठीक है इसी में, तो मैंने कहा ठीक है जो तुमको सही लगे। तो यहाँ पे वही सब देख रही थी कैसे क्या होगा। और ट्रेन में ना कुछ चीज़ें खाने को चाहिए, जैसे मेरे को रात में ना थोड़ी थोड़ी भूख लगती रहती है, और ये सही भी है, डॉक्टर का कहना है कि थोड़ा थोड़ा खाओ। आप जो 4 बार चीज़ें खाते हो ना वो 6 बार खाओ, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाओ। चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब।